हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष अकेडमी। डियर, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। टिनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज आर कॉल्ड, मतलब टिनी ऑर्गेनिज्म वह छोटे जीव जो जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। टिनी ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज आर कॉल्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों, ये मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी माइक्रोब्स, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी अमीबा। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोब्स। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंगस जिसको हम फफूंद कहते हैं, फंगस कैन बी सीन विद अ, जो फंगस है उसको किसके थ्रू देखा जा सकता है, इसके किसके थ्रू देखा जा सकता है। ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। आप जल्दी से बताइए, फंगस कैन बी सीन विद अ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स बोथ माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से भी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज आर आल्सो नोन एज, मतलब जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैथाजन, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी एंटीजन, ऑप्शन डी माइक्रोब्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काजेज डिजीज आर आल्सो नोन एज, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका क्या सही जवाब होगा जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। एक सेकेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा पैथाजन, क्या होगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, पैथाजन होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीजेस आर आल्सो नोन एज पैथाजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, पैथाजन्स आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए जर्म्स, ऑप्शन बी एंटीजन, ऑप्शन सी एंटीबॉडी, ऑप्शन डी कैरियर। तो पैथाजन्स आर आल्सो नोन एज ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा जर्म्स। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं, इसका सही जवाब क्या होगा आगे देखिए। बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे नेचर में होते हैं, मल्टी सेलुलर, ऑप्शन बी यूनिसेलुलर, ऑप्शन सी बाई सेलुलर, ऑप्शन डी ट्राई सेलुलर। तो आप जल्दी से बताइए, जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे नेचर में, वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिसेलुलर। ओके स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर मतलब वन सेल से जो कंपोज्ड होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए। स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, ऑप्शन ए बैसिली, ऑप्शन बी वाइब्रियो, ऑप्शन सी स्पाइरिला, ऑप्शन डी कोक्सी। तो जल्दी से बताइए, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों, यदि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोक्सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं।
ठीक है। सिंपल प्लांट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी प्रोटोजोवा। तो बताइए सिंपल प्लांट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी एंटीजन, ऑप्शन डी वैक्सीन। तो आप जल्दी से बताइए क्या होगा। मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इज नोन एज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीबायोटिक। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, द प्रोसेस इन विच शुगर इज इन द फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाई यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी बेवरेज, ऑप्शन डी फर्मेंटेशन, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। तो आप जल्दी से बताइए इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स फर्मेंटेशन। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने जवाब देते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। द फंगस दैट इज कॉमनली यूज इन बेकरी एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज इज, तो जो इंडस्ट्रीज में ठीक है और जो बेवरेज में जो फंगस यूज्ड होती है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए पेंसिलियम, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी एगेरिक्स कहते हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइजोपस। तो आप जल्दी से बताइए, द फंगस दैट इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी एंड बेवरेज इज इंडस्ट्रीज इज पेंसिलियम, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी एगेरिक्स, ऑप्शन डी राइजोपस। तो अब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिराडिया इज लिस्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एल्गी। जल्दी से बताइए क्या होगा। द गिराडिया इज लिस्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एल्गी। तो अब जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों एवं प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है उसको क्या कहते हैं, कौन सा सब्सटेंस कहते हैं, ऑप्शन ए इम्यूनो, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी एंटीबॉडी, ऑप्शन डी एंटीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। हाउ मच नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है। तो ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 88%, ऑप्शन सी 68%, ऑप्शन डी 58%। तो आप जल्दी से बताइए हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है। चलिए देखिए, मलेरिया इज कास्ड बाय विच टाइप्स ऑफ माइक्रोब, जो मलेरिया होता है वो किस प्रकार के माइक्रोब से होता है। तो आप जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी एल्गे, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं, आगे देखिए क्या है। कॉमन कोल्ड इज कास्ड बाय विच टाइप्स ऑफ माइक्रोब, जो कॉमन कोल्ड हो जाता है हम लोगों को वो किस प्रकार के माइक्रोब्स के कारण होता है। तो अब जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए बैक्टीरिया,
ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी फंजाई। तो आप जल्दी से बताइए किस प्रकार के होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज इज कास्ड बाई द फंगस, कास्ड बाई अ फंगस, फंगस के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए कॉलरा, ऑप्शन बी कॉमन कोल्ड, ऑप्शन सी रिंगवॉर्म, ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जो है वो विच ऑफ द डिजीज इज कास्ड बाई फंगस, जो फंगस के कारण होता है। रिंगवॉर्म जिसे हम दाद कहते हैं, ठीक है, वो किसके कारण होता है, फंगस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, मतलब उनकी किसके अगेंस्ट जो है बीमारी के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एल्गा एल्गी, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो एंटीजन आर इफेक्टिव अगेंस्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, दैट मीन्स ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड, जो पेंसिलिन जो थी उसका आविष्कार किसने किया था। तो अब जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी लुईस पाश्चर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो आप जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दैट मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग बता रहे हैं, मशरूम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, जो मशरूम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मशरूम क्या होगा, मशरूम बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या है, अमीबा बिलोंग्स टू, अमीबा जो है बिलोंग करता है किससे। ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरसेस। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। अमीबा बिलोंग्स टू, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इज, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुईस पाश्चर, ऑप्शन सी जॉन मंडल, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। जल्दी से बताइए, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, साइंटिस्ट हु डिस्कवर फर्मेंटेशन इज, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लुईस पाश्चर, दैट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं। ऑप्शन ए यूनिसेलुलर, ऑप्शन बी मल्टीसेलुलर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी और नन ऑफ दीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो नेचर में होते हैं, आप जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा दैट मीन्स ऑप्शन सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, जो छोटे जीवों से या छोटे जीवों से कौन सी बीमारियां जो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स और एनिमल्स में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कैरियर्स, ऑप्शन बी मॉस्किटोज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पैथोजेंस, ऑप्शन डी एंटीबॉडीज। तो आप जल्दी से बताइए, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा पैथोजेंस, दैट मीन्स सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉलर दैन बैक्टीरिया आर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्मॉलर दैन क्या होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब जो कहा जाए बैक्टीरिया से छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी
एल्गी। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स वायरस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद अदर्स सो दे कैन लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। अगेन थैंक यू सो मच।